बधाई। थैंक यू सो मच। काम्या जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर वन पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूं, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका। द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। खैर उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता अब सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी उच्च टॉप पर है और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत के इन धरोहर का परिचय करवाती हो तो मैं एक विषय, दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं। उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है तो दौड़ो पकड़ो। और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो, जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी है खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने का काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। एंड नाउ लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया एंड यू इवन कवर्ड यूपीआई इन पेरिस। दैट्स गौरव चौधरी। चलिए अभी आज की दुनिया का इंसान है कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊँ, तो बस वही स्टार्ट किया है। आपने ध्यान में आया होगा एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं, सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है। और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है ये तो गौरव बराबर अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा यूपीआई
ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबके मालिकी है। और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी, कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं। और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा, लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते, और मैंने जब वहां की टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई। और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया उनमें से चुने गए स्वच्छता एम्बेसडर हैं मल्हार कलांबे, अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट जो 2017 से प्रति सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाते रहे हैं, स्वच्छता और सतत विकास को लेकर जागरूकता भी फैलाते रहे हैं। दैट्स मल्हार कलांबे। मल्हार, ये जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं। इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया। मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं आप ही से प्रेरणा लेके। पिछले 6.5 सालों में हमने 500 से ज़्यादा क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है, 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने पूछा क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियन येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज, क्योंकि मैं उसका भुक्त भोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं, मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं। और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मेरा जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना जी। जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती तो नींद, योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झूला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।